नमस्कार, मैं हूं राजेश। दोस्तों, क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम यहां पर आपके लिए उन खबरों का संकलन करके लाते हैं जो आपको अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत काम आते हैं। तो फिर आइए, चलिए एक नजर डालते हैं आखिर हम आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आदित्य 11 कहेगा हेलो सूर्यदेव। युद्धपोत महेंद्र गिरी का मुंबई में हुआ लॉन्च। नेहरू मेमोरियल बना प्रधानमंत्री संग्रहालय। जीएसटी कलेक्शन अगस्त में 11% बढ़ा। षणमुगा रत्नम बने सिंगापुर के नए राष्ट्रपति। डी गुकेश बने शतरंज के खिलाड़ी नंबर 1। और आर माधवन बनेंगे FTTI के नए अध्यक्ष। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं आदित्य 11 से जुड़ी खबर। जी हाँ, श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से आज सवेरे आदित्य 11 यानी भारत के पहले सोलर मिशन को लॉन्च किया गया। आदित्य 11 कहेगा हेलो सूर्यदेव। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य 11 का 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV C-57 आदित्य 11 मिशन को लॉन्च करने के लिए 23 घंटे 40 मिनट की उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन 1 सितंबर को दिन में 12:10 पर शुरू हो गई थी। आदित्य 11 सूर्य के अध्ययन के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला होगी और इसका काम सूरज पर पूरे 24 घंटे नजर रखना होगा। इस अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के मौजूद 11 पॉइंट पर हवा की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह पॉइंट पृथ्वी से 15,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो का PSLV C-57 रॉकेट आदित्य 11 को धरती की निचली ऑर्बिट में पहुंचाएगा और फिर इस मिशन की ऑर्बिट को ज्यादा वलयकार बनाएगा ताकि फिर ऑनबोर्ड प्रोपल्शन के जरिए इसे 11 पॉइंट की तरफ धकेला जा सके। 4-5 बार ऑर्बिट में उछाल के बाद 11 की ओर बढ़ते हुए इस मिशन पृथ्वी के गुरुत्व बल्ब के दायरे से बाहर चला जाएगा और इसके बाद क्रूज फेज की शुरुआत होगी और यान 11 के इर्द गिर्द बड़े हॉलो ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। यह सबसे मुश्किल वाला फेज है क्योंकि यहां गति को कंट्रोल नहीं किया गया तो यह सीधे सूर्य की ओर चला जाएगा और जलकर खाक हो जाएगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने में आदित्य 11 को 4 महीने यानी कि 125 दिनों का वक्त लगेगा। आदित्य 11 में 7 पेलोड्स लगे हैं और ये सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं कि ये कौन से पेलोड हैं। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी VELC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी SOLE-XS, हाई एनर्जी 11 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HEL-1OS, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी ASPX, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी PAPA और एडवांस ट्राई एक्सेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स। इन 7 पेलोड्स के बारे में हमने अपने पहले के वीडियो में आपको डिटेल में बताया है। अगर आपको दोबारा ये जानना है तो हमारे उस वीडियो पर जाएं और इसका लाभ उठाएं। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत अपने सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से क्यों लॉन्च करता है। इसका जवाब ये है, श्रीहरिकोटा का लोकेशन ही उसका USP है। ज्यादातर सैटेलाइट जो पृथ्वी के हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा इक्वेटर के पास करते हैं यानी भूमध्य रेखा के चारों तरफ करते हैं और श्रीहरिकोटा भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास है और यही वजह है यहां से लॉन्चिंग करने पर मिशन की जो लागत है वो काफी कम होती है और
सक्सेस रेट ज्यादा होता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईएनएस महेंद्र गिरी की। युद्धपोत महेंद्र गिरी का मुंबई में हुआ लॉन्च, मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना का जंगी जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी 1 सितंबर 2023 को मुंबई में लॉन्च कर दिया गया। इस लॉन्च समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे और उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी। ओडिशा के पूर्वी घाट में सबसे ऊंची पर्वत चोटी के नाम पर निर्मित यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाए गए युद्धपोतों में आईएनएस महेंद्र गिरी 7वां और आखिरी स्टिल्थ फ्रिगेट है और यह बेहतर स्टिल्थ फीचर्स, एडवांस हथियार प्रणाली और सेंसर से लैस है। यहां पर स्टिल्थ का मतलब यह होता है कि यह युद्धपोत जो है वो रडार को चकमा देने में सक्षम है। यहां पर स्टिल्थ कहने का यह मतलब है कि इस युद्धपोत को इस तरह से डिजाइन किया गया है, बनाया गया है कि यह रडार को चकमा दे सकता है, इसीलिए इसे स्टिल्थ युद्धपोत कहते हैं। इस युद्धपोत महेंद्र गिरी की सबसे खास बात यह है कि ये आधुनिक सेंसर से लैस होता है और दुश्मन की आहट को काफी दूर से पहचान लेने में सक्षम है। इसमें लगे टॉरपीडो लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर जहाज की पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाता है और यह 2 रैपिड फायर बंदूक से भी लैस है। दुश्मन की हर साजिश को इनसे वो नाकाम कर देता है। यह युद्धपोत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से पूरी तरह लैस है और दुश्मन की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों और विमानों के संभावित खतरे से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। इस युद्धपोत की लंबाई 149.02 मीटर और चौड़ाई 17.8 मीटर है। इसमें 2 गैस टरबाइन लगी हैं। इस पोत में 2 मेन डीजल इंजन है। इसका वजन 6,670 टन से अधिक है और यह 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और अब अगली खबर नई दिल्ली के नेहरू मेमोरियल से। नेहरू मेमोरियल बना प्रधानमंत्री संग्रहालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय करने को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही अब यह प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। 14 अगस्त 2023 को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी किया गया था और इसके पहले जून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इस सोसाइटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद होंगे। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रस्ताव रखा था कि 3 मूर्ति परिसर में देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा और 25 नवंबर 2016 को नेहरू मेमोरियल की 162वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एडविन लुटियंस की इंपीरियल कैपिटल का हिस्सा रहा ये 3 मूर्ति भवन अंग्रेजी शासन में भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास था। ब्रिटिश भारत के अंतिम कमांडर इन चीफ के जाने के बाद 1948 में 3 मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास बन गया था। पंडित नेहरू यहां 16 वर्षों तक रहे और यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इसके बाद इस 3 मूर्ति भवन को पंडित नेहरू की याद में उन्हें समर्पित कर दिया गया और इसे पंडित नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल के नाम से जाना जाने लगा। और अगली खबर हम लेंगे आर्थिक मोर्चे से। अगस्त में जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 11% बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रहा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 1 सितंबर 2023 को अगस्त महीने का जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी किया और उसमें ये बताया गया कि इस महीने जीएसटी राजस्व जो है 1,59,000 करोड़ रुपए का रहा,
जबकि एक साल पहले की समान अवधि में जीएसटी कलेक्शन 1.43 लाख करोड़ रुपया ही था। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2023 में जीएसटी कलेक्शन 1,59,000 करोड़ रुपए रहा है और यह आंकड़ा साल भर पहले यानी अगस्त 2022 की तुलना में ज्यादा है। लेकिन पिछले 5 महीनों में पहली बार जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ से कम रहा है। मार्च 2023 से लगातार जीएसटी कलेक्शन हर महीने 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो रहा था। अगस्त 2023 में सरकार को सेंट्रल जीएसटी से 28,328 करोड़ रुपए मिले, वहीं स्टेट जीएसटी से 35,794 करोड़ रुपए और इंटीग्रेटेड जीएसटी से 83,251 करोड़ रुपए मिले। सरकार को सेस से 11,695 करोड़ रुपए मिले, जिसमें आयात के 1,016 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि अप्रैल जून तिमाही में कर दरों में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद जीएसटी कलेक्शन मौजूदा मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से अधिक रही। मल्होत्रा ने यह भी कहा, बेहतर कर अनुपालन और कर संग्रह दक्षता में सुधार होने से ऐसा हो पाया। इसके अलावा कर चोरी और कर देनदारी से बचने के मामलों में भी अब कमी आई है। और अगली खबर अब सिंगापुर से। सिंगापुर में थर्मन शनमुगारत्नम बने राष्ट्रपति। सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शनमुगारत्नम ने 1 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। साल 2011 से 2019 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री रहे शनमुगारत्नम को 70.4% वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदियों एन कोक सॉन्ग और टेन किन लियोन को क्रमशः 15.7 और 13.8% वोट मिले। सिंगापुर में 2011 के बाद यह पहला राष्ट्रपति चुनाव था। शनमुगारत्नम ने देश की संस्कृति को दुनिया में उज्जवल बनाए रखने के संकल्प के साथ पिछले महीने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए अपना अभियान शुरू किया था। राजनीति में 2001 में आए शनमुगारत्नम ने 2 दशक से अधिक समय तक सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र और मंत्री पदों पर काम किया है। निवर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब का 6 वर्ष का कार्यकाल 13 सितंबर को समाप्त हो रहा है। वह देश की 8वीं राष्ट्रपति है और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। सिंगापुर में वर्ष 2017 का राष्ट्रपति चुनाव एक आरक्षित चुनाव था, जिसमें केवल मलय समुदाय के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति थी और उस दौरान हलीमा को राष्ट्रपति नामित किया गया क्योंकि कोई अन्य उम्मीदवार नहीं था। और अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं खेलों की दुनिया में। डी गुकेश बने शतरंज के खिलाड़ी नंबर 1। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 3 दशक से अधिक समय के बाद विश्वनाथन आनंद की जगह भारत के शीर्ष शतरंज के खिलाड़ी बन गए हैं। आनंद जुलाई 1986 से भारत के नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। गुकेश रैंकिंग में आनंद से आगे निकलकर विश्व में 8वें नंबर पर पहुंच गए और गुकेश पहली बार इस रेटिंग की सूची में टॉप 10 में आ गए। 1 सितंबर की रैंकिंग के मुताबिक गुकेश के नाम 2,758 रेटिंग अंक हैं, जबकि आनंद 2,754 की रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर हैं। गुकेश ने 1 अगस्त की इस रैंकिंग सूची के मुताबिक 3 स्थान का सुधार किया है। विश्व कप के फाइनल में मैग्नस कार्लसन से हार का सामना करने वाले आर प्रज्ञानंद 2,727 रेटिंग अंक के साथ इस सूची में 19वें स्थान पर है। वह गुकेश और आनंद के बाद भारत के तीसरे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले खिलाड़ी बने हुए हैं। इस रैंकिंग में शीर्ष 30 में 5 भारतीय हैं। विदित संतोष गुजराती 27वें और अर्जुन
एरिगेसी 29वें स्थान पर है, जबकि पी हरि कृष्णा 31वें पायदान पर है। गुकेश ने बाकू में विश्व कप के दौरान फिडे यानी विश्व शतरंज महासंघ की लाइव विश्व रैंकिंग में अपने आदर्श और गुरु आनंद को पीछे छोड़ा था। फिर आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं बॉलीवुड में। बॉलीवुड से एक खबर यह है, आर माधवन बनेंगे FTII के नए अध्यक्ष। अभिनेता फिल्म निर्माता आर माधवन को 1 सितंबर 2023 को पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के अध्यक्ष और इसके गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। भारतीय सिनेमा के शानदार अभिनेताओं में गिने जाने वाले आर माधवन उन गिने चुने अभिनेताओं में से एक हैं जो अलग अलग भाषाओं में अभिनय करते हैं। वह जिस भी किरदार को पर्दे पर निभाने गए उसी के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है। पिछले दिनों अपनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने को लेकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी। अब आर माधवन नई जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। कन्नाथिल मुथा मित्तल, रंग दे बसंती, थ्री इडियट्स और विक्रम वेधा सहित कई भाषाओं में अपनी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले अभिनेता FTII अध्यक्ष के रूप में फिल्म निर्माता शेखर कपूर की जगह लेंगे। और अभी के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही खबरें लेकर आएंगे। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।